में सादा हूं। लगता है बिच्छू सिंह का गिरोह है। चलो ड्राइवर गाड़ी तेज चलाओ। वाह, गाड़ी के शीशे क्यों नहीं टूटे? अगर मैं सरदार गड़िया बुलेट प्रूफ है। ड्राइवर गाड़ी और तेज चलाओ। बाहर मत जाइए, बाहर गोलियां चल रही हैं, आपको गोली लग जाएगी। अगर अंदर बैठे रहे तो गाड़ी पंचर हो जाएगी। अरे तुम लोग अपनी अपनी पोजीशन ले लो, जल्दी। सौदा कर लिया है और उसके नाम यमराज की चिट्ठी लेकर आए हैं हम। सावधान बिट्टू सिंह, यमराज का दूत तो बनकर तू आया है, लेकिन यहां से मुर्दा मैं तुझे भेजूंगा, क्योंकि धर्म की रक्षा करने वाला धर्मवीर मैं हूं। अगर तू अपने आप को जिंदा रखना चाहता है तो मेरा एक मशवरा मान ले, अपने आप को कानून के हवाले कर दे। तेरे कानून को तो हम खिलौने की तरह तोड़ दे आए हैं इंस्पेक्टर। अगर तू धर्मवीर है तो हम बिट्टू सिंह है, और तेरे नेता को तो हम जरूर डंक मारेंगे, और ऐसा डंक मारेंगे कि उसके लिए मौत का दरवाजा डायरेक्ट खुल जाएगा। नेताजी, 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 हाँ देखा, डंक मार दिया ना इंस्पेक्टर। मैंने कहा था ना बिच्छू सिंह कि धर्मवीर से टकराकर तूने अपनी मौत को दावत दी है, लेकिन मौत मैं नहीं कानून तुझे देगा, और साथ में तेरे भाई जालिम सिंह को भी। भाई प्रभु, तुम्हारा काम तो अब तक हो गया होगा। और जीजा के गले में फूलों की माला होगी, चाहे वो नेताजी की चिता के भूल क्यों नहीं हो। अबे नंदुआ, मुखड़ा अच्छा नहीं है, कम से कम बतिया तो ठीक किया कर। कैसे कर सकते हैं जी, दिन भर तो हम आप ही का चौकता देखते हैं। ठाकुर साहब, जीजा जी, हमने तो गांव वालों से सुना है
कि वो नेता देशभक्त त्रिवेदी जिसकी आपने हत्या करवाई है, उसने ऐलान किया था कि वो इलेक्शन जीते या हारे सरकार से 2.5 करोड़ रुपया लेकर के अस्पताल और जूनियर कॉलेज की इमारत बनवाएगा। बेचारा, वो मदद 2.5 करोड़ की आप तो लेंगे जीजा जी, और अस्पताल और जूनियर कॉलेज की इमारत भी बनवाएंगे। पर बेचारे गांव वाले उसका उपयोग कर नहीं पाएंगे। क्यों जीजाजी? क्योंकि आपकी सारी स्कीम सिर्फ पेपर पर होगी और 2.5 करोड़ रुपया आप दोनों की जेब में। बांध संभाल के बात कर, नहीं तो फिर आप हमारे गिलास भर दीजिए, हम सच बोलना छोड़ देंगे। चुप। हेलो। हेलो भैया। हाँ बोलो सोनू, हाउ वाज योर एनसीसी कैंप? बहुत अच्छा भैया, हर चीज में फर्स्ट आई हूँ। हाई जंप, लॉन्ग जंप, हॉर्स राइडिंग, और भैया गन शूटिंग में तो मुझे 10% मार्क्स मिले हैं। वेरी गुड, योर ब्रदर इज वेरी हैप्पी। आखिर बहन किसकी है? और भैया सुनो, परसों अवार्ड फंक्शन है और मैं चाहती हूँ आपकी मौजूदगी में ही मैं अवार्ड लूँ। हाँ देखो सोनू, मैं वादा तो नहीं करता लेकिन कोशिश करूँगा। क्यों भैया, आप कुछ परेशान लग रहे हैं? अरे सोनू, हम पुलिस वालों की जिंदगी में छोटी मोटी परेशानी तो रहती है लेकिन ऐसी कोई भारी भरकम समस्या नहीं है। अरे मैं सच कह रहा हूँ, एवरीथिंग इज ओके। तो परसों आप अवार्ड फंक्शन में तो आ रहे हो ना? हाँ ओके, वादा करता आऊंगा। हैप्पी, मैं आपका इंतजार करूंगी, जरूर आना भैया। बाय बाय। आपने आशिक को फोन किया और आपका आशिक हाजिर है। माफ कीजिए, मैंने आशिक को नहीं अपने भाई को फोन किया था। ओ, इसका मतलब मैडम को अब तक कोई आशिक नहीं मिला इसलिए भाई को फोन कर रही है। अरे वरना जिस लड़की का कोई आशिक हो उसे भाई को फोन करने का वक्त ही कहां मिलता। तो मैडम, हम आपकी मुश्किल आसान कर देते हैं आपके इन कदमों में इस आशिक का दिल रखकर। मैं ऐसे सड़क छाप आशिक को अपने छोकर पर रखती हूँ। सालिम सिंह, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें तो हमने तुम्हारे काम के पैसे दे दिए। ठाकुर संग्राम सिंह, तुमने तो हमारे काम के पैसे दे दिए और हमने भी तुम्हारे लिए अपने जुल्म की ज्वालामुखी को फाड़कर उस नेता को खत्म करवा दिया है। अगर उस इंस्पेक्टर धर्मवीर ने मेरे भाई बिछुआ को गिरफ्तार करके उसे टस लिया है। हाँ, मतलब यह है कि इंस्पेक्टर धर्मवीर को भी खरीदना पड़ेगा। धर्मवीर को खरीदा नहीं जा सकता ठाकुर साहब, आप लोगों के साथ अब हमारी मृत्यु भी निश्चित है। माँ कहा करती थी कि बुरी संगत का बुरा नतीजा जी जा रहे साले। समस्या यह है कि बिच्छू को अब बाहर कैसे निकाला जाए। हेलो, हाँ हाँ, अच्छा 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 अच्छा, धर्मवीर अब भी मौका है, पुलिस का गवाह बन जा, तेरी सजा भी कम हो जाएगी और तू फांसी के फंदे से भी बच जाएगा। बता त्रिवेदी जी का खून किसके कहने पे किया? अरे मौका मिल जाएगा तो खून तो हम तोरा भी कर देंगे इंस्पेक्टर। मेरा खून करेगा, मेरा खून करेगा। बता इस खून के पीछे किसकी साजिश है? तेरा भाई जालिम सिंह कहाँ है बता? तू हमरे भाई को याद मत कर रे, वो नाम लेते ही शैतान की तरह हाजिर हो जाता है और अगर वो यहाँ हाजिर हो गया ना तो वो तुम लोगों के साथ इस थाने को जला के राख कर साला, साले को राख करेगा, साले को राख करेगा, साले को राख करेगा, मारो साले को। मैं जो पूछता हूं ना सिर्फ उसी का जवाब दे, वरना कैंची जैसे चलती हुई तेरे मुंह के अंदर जो जबान है ना मैं उसे काट कर बाहर फेंक दूंगा। तू हमसे कुछ नहीं उगलवा सकता इंस्पेक्टर, तू नहीं जानता तूने बिच्छू सिंह को नहीं आंखें देखते हुए अंगारे को अपनी मुट्ठी में बंद किया है और ये अंगारा
तेरे साथ साथ पुलिस चौकी को भी जला कर राख कर देगा। ओ, बहुत गर्मी है इसके जिस्म के अंदर, बहुत चहक रहा है, बहुत गर्मी है। एक काम करो, इसकी गर्मी को दूर करने का बंदोबस्त करो। छोड़ दे, अपने भाई को पता चला तुझे नहीं छोड़ेंगे। चिल्ला और चिल्ला, मैं तुझे तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तेरा यह जिस्म बर्फ की तरह ठंडा ना हो जाए। बता, बताता हूँ, बताता हूँ। बर्फ हटा दो नहीं तो यह मर जाएगा। इसे मेरे कमरे में ले आओ, मैं खुद जान लूंगा। सर आप वापस आ गए? हाँ, आज रात मैं खुद ही ड्यूटी करूंगा। वो क्या है कि बिच्छू को कल शहर वाली जेल में ट्रांसफर करना है जी, इसलिए मैं खुद ही ड्यूटी करूंगा। एक काम करो, एहतियात के तौर पर हमें और फोर्स की जरूरत पड़ेगी, तुम टेलीफोन लगाओ हेडक्वार्टर्स और फोर्स के लिए। लेकिन सर फोन तो डेड है। फोन डेड है? अभी थोड़ी देर पहले तो मैंने अपनी बहन के साथ बात की है। हाँ सर, जब आपने अपनी बहन से बात की उसके बाद ही फोन डेड हो गया। ओह माय गॉड। अच्छा बताओ, ये बीजापुर वाले इलाके में और फोर्स है, बटालियन है? कल ही तो बटालियन आई है। तो एक काम करो, आप खुद जाइए वहां पर और उस बटालियन को लेकर इधर आइए। ठीक है सर। वैसे मैं सोच रहा था कि अगर आप लिख देते तो मैं गंगाराम को भेज। नहीं नहीं नहीं, इसके लिए गंगाराम को नहीं भेजना, आप खुद जाइए और उस बटालियन को लेकर यहाँ पर आइए। लेकिन सर वो फाइल। तुम उस फाइल की चिंता मत करो, जल्दी जाकर बटालियन को लेकर आओ। ओके, गो फास्ट। ओके सर। गुड। चारों तरफ से पुलिस थाने को घेर रहे हो। मैंने तुम्हारे थाने की ईंट से ईंट बजा दी है। अगर अपनी जान की अमान चाहता है तो मेरे भाई को मेरे हवाले कर दे। जालिम सिंह, मैं हिंदुस्तान का वो सिपाही हूं जो अपने फर्ज की खातिर अपनी जान तो दे सकता है, लेकिन तुम जैसे गद्दार डाकू के सामने अपने घुटने नहीं टेक सकता। मेरे भाई को मेरे पास ले आओ। जय हिंद। छूटे, देखा मजा साला, बोला था ना तूने, आज के बहते हुए अंगारे को अपने हाथों में लिया है। चलो तू। भैया साले ने बहुत मारा हमको भैया, और सब कुछ उगलवा लिया। उसका इंतजाम भी हो जाएगा छोटे, तू जा गर्म पानी से नहाकर अपनी थकान दूर कर, जा। भैया अगर नहाने के बाद कहीं हमारी घंटी बज गई तो? घंटी को बज जाने दे छोटे, मांझा किस लिए है, वो तेरा बंदोबस्त कर देगा। हिम्मत से काम लो बेटी, हम सब तुम्हारे साथ हैं। एक बहादुर सिपाही की मौत पर रोना नहीं बल्कि गर्व करना चाहिए। भगवान का राजनीति भी समझ में नहीं आवत, वो इतना अच्छा और नेक इंसान के इतनी जल्दी अपने पास काहे को बुला लेता है।
ये क्या इंस्पेक्टर साहब, लगता है घर में चोर घुसे थे। चोर नहीं, कातिल, धर्मवीर जी के कातिल। चूंकि जिस फाइल की पुलिस डिपार्टमेंट को तलाश है वही फाइल दुश्मन भी हासिल करना चाहते हैं, और इसीलिए धर्मवीर जी का खून हुआ। फाइल? फाइल के लिए खून? हाँ, धर्मवीर जी ने बिच्छू सिंह के नाम एक फाइल तैयार की थी जिसमें उन तमाम मुजरिमों के नाम मौजूद हैं जो त्रिवेदी जी और धर्मवीर जी के कत्ल में शामिल हैं। तो फिर फाइल गायब कहाँ हो गई? यही तो मालूम नहीं, पता नहीं धर्मवीर जी ने वो फाइल कहाँ रखी है। मैं तो उनके हुक्म के मुताबिक बीजापुर से पुलिस फोर्स लाने चला गया था, इसी बीच में बिच्छू सिंह के भाई जालिम सिंह ने चौकी पर हमला कर दिया। मुझे इस बात का ताज़िंदगी अफसोस रहेगा कि मैं आखिरी वक्त में उनके साथ नहीं रह पाया। ये भी तो हो सकता है भैया की मौत के बाद वो फाइल डाकुओं के हाथ लग गई हो। तब तो हम उन मुजरिमों को कभी भी नहीं पकड़ पाएंगे। ऐसा कीजिए, आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए, मैं भी आदमी लेकर घर ठीक करने आता हूँ। ओके। आज हम बहुत खुश हैं ठाकुर, हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन जो थाना सरवा खत्म हो गया। अरे वो गया जहन्नुम में, हमारे लिए तो खुशी का दिन वो होगा जिस दिन आप मंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे। लो तिलक करो जीजा। हेलो। हाँ सोना। सूरज। हाँ मैं सूरज बोल रहा हूँ। हाँ, अरे जब तुमको खबर मिली थी तो मुझे तो एक बार फोन कर देती, मैं भी तो तुम्हारे साथ में चला आता था। जिस बहन ने दिन में अपने भाई से बात की हो उसकी आधी रात को मौत की खबर मिली हो सूरज, उसे फोन करने का होश कैसे रह सकता है। ओह, I'm sorry, मगर पुलिस ने कोई एक्शन लिया सोना? पुलिस तो अपना एक्शन लेती रहेगी, लेकिन मैं अपने भाई के खूनी को कानून से ऐसी सजा दिलवाऊंगी कि फिर कोई भी किसी पुलिस वाले की हत्या करने का साहस नहीं कर सकेगा। नहीं सोना नहीं, जल्दबाजी में कोई गलत कदम न उठाना, मैं आराम कर रहा हूँ, मिलके कोई रास्ता निकालेंगे। ठीक है सूरज, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। भैया, मिल गई फाइल, लाओ मुझे दो। हाँ ये वही फाइल है जिसमें उन तमाम मुजरिमों के नाम मौजूद हैं। अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको सजा दिलवाऊंगा। सब साले हराम ज्यादा सलाखों के पीछे होंगे और फांसी के तख्ते पर अपनी मौत का इंतजार कर रहे होंगे। मैं अभी अजीत साहब को फोन करता हूँ, वो सर्किट हाउस में ठहरे हुए हैं। हाँ आईजी साहब को फोन देना। सर मैं इंस्पेक्टर नागराज बोल रहा हूँ। सर जो काम हमारा पूरा डिपार्टमेंट नहीं कर पाया उसे सोना जी ने कर दिखाया है सर। हाँ सर वो इंपॉर्टेंट फाइल मिल गई है सर। क्या सर सोना जी को भी साथ लेता हूँ? अच्छा सर, आ रहा हूँ सर, थैंक यू। चलिए आईजी साहब ने बुलाया है। आईजी साहब अंदर हैं? हाँ हैं हैं, आप अंदर आइए। कम आईजी साहब, इस फाइल में वो तमाम सबूत मौजूद हैं जिससे कातिल कानून से बच नहीं सकता। ठाकुर तुम आईजी साहब कहाँ हैं? हमने उन्हें बड़ी इज्जत से विदाई पार्टी देकर यहाँ से रुखसत कर दिया।
तो तू क्या समझता है कि आईजी साहब को चकमा देकर यहाँ से हटा देने से तू और तेरे साथी बच जाएंगे? मैं तुम सबको गिरफ्तार करने आया हूँ। गिरफ्तार करने आए हो? अच्छा, तो लोहे की हथकड़ी लाते। इस नाजुक नाजुक हसीन फूलों की लड़ी को लाने की क्या जरूरत थी? ठाकुर, तुमने अगर इसकी तरफ आंख उठाकर भी देखा तो मैं तुम्हारी दोनों आंखें निकाल लूंगा। वैसे भी तुम्हारी मौत का परवाना तो इसी ने ढूंढ निकाला है। मौत का परवाना लाए हो? जरा हम भी तो देखें। ले पढ़ ले और तसल्ली कर ले, ताकि अब तो समझ ले कि तू इससे बच नहीं सकता। क्या बात है ठाकुर, क्या लिखा लो फैलिया में ही? इसके अलग अलग पन्नों पर हम सब के जुर्म दर्ज हैं। प्रभु, वाकई हमने बहुत जुर्म किए हैं, अब हमें फांसी के फंदे से कोई नहीं बचा सकता। ठाकुर साहब, हमारा जुर्म का पन्ना भी इसके अंदर है का? साले साहब, गेहूं के साथ साथ घुन भी पिस जाते हैं। जीजा, हमको बचा लो जीजा। इंस्पेक्टर नागराज, आप बड़े सख्त इंस्पेक्टर हैं, हमसे हमारी आखिरी ख्वाहिश नहीं पूछेंगे। क्या है तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश? इस गदराए हुए बदन को हमें अपनी बाहों में भर लेने दो। कलयुग में नागराज भगवान की नहीं शैतान की सेवा करता है। वैसे भी मेरे और आपके विचार कितने मिलते जुलते हैं। आपकी आखिरी ख्वाहिश भी वही है जो मेरी पहली ख्वाहिश है। मैं भी चाहता हूं कि इसकी कतारी जवानी से खेलूं, इसके रूप के समुद्र में डुबकी लगाऊं। क्या तुम भी इन लोगों से मिले हुए हो? हाँ, क्यों, तुझे भी पता चला इसलिए? हरामजादे! ना ना, हरामी, और वैसे भी मेरे हरामीपन का पता उसी को चलता है जिसे मैं बताता हूं। तेरे भाई को नहीं बताया, इसलिए इस फाइल में मेरा पन्ना नहीं है। ठाकुर साहब, इसके गुलाबी होठों का पहला जाम आप कीजिए। पन्ना कब फाड़ेगी? अरे काहे थोड़े, बेटी 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 बेटी, फाइल इधर लाओ, इधर लाओ। मैं तुम में से एक को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुम सबने मिलकर मेरे भाई को मारा है, उसकी मेहनत और ईमानदारी से इकट्ठा किया हुआ सबूत मिटाने की कोशिश की है, उसका अपमान किया है तुम लोगों ने। हाँ, तुम लोग कानून की पकड़ से तो बच सकते हो, लेकिन मेरी नजर से नहीं। मैं चाहूँ तो अभी इसी वक्त तुम लोगों की लाशें बिछा दूं, लेकिन नहीं, क्योंकि मैं एक जिम्मेदार पुलिस अफसर की बहन हूँ। मैं तुम सबको कानून के हवाले करूंगी और तुम्हारे जुर्म की एक एक कहानी अदालत में पेश करूंगी। जालिम सिंह के जुर्म की ज्वाला अभी तक फूटी नहीं, तो फिर ये धमाका कैसा बिछुआ? भैया, हमने तो अभी तक किसी को डंग नहीं मारा, हो तो फिर ये चीख कैसी? यानी कि इस फुलझड़ी ने हमारी शान में ये सलामी दागी है। अरे भैया, बड़े समय पर आए, नहीं तो अपन का तो राम नाम सत्य है। ओए ठाकुर, इतना सुंदर सांचा आया कहाँ से? इंस्पेक्टर धर्मवीर की बहन है, हम सबके लिए मौत का परवाना लाई थी। अरे वाह, फिर तो मजा आ गया। दुश्मन की बहन को डंक पाना तो हमारा फर्ज है ना। हाँ। जितना इसके भाई ने हमको सताया था, उतना ही अब हम इस छमिया को सताएंगे। अरे छमिया तो बहुत मजबूत है, बहुत मजा आएगा। छमिया, तू हमको भाग गई रे, बिच्छू सिंह तेरे लिए कुछ भी कर सकता है। बोल बोल, इस नेता को डंक मार दे। चालिम सिंह, रोक अपने भाई को, लड़की को देख के सब पागल हो गया। बोल, इस नेता को डंक मार दे। बिच्छू, मैं तेरा दोस्त हूँ, जालिम संभालना अपने भाई को।
ना बिछुआ ना। ठाकुर ले संभाल अपनी लौंडिया को, तब तक हम अंग्रेजी शराब पीकर मूड बनाते हैं। तुम शराब से मूड बनाओ, हम शबाब से मूड बनाते हैं। चल बेटा जानदार। अरे भाई मुबारक हो, हल्के हुआ है भाई, हम जा रहे हैं, तेज से कहना हमारा इंतजार करे। जी जा जा जा, कबड्डी 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 जी जा रहे जा रहे। चल बे छोटे तेरी बारी है, जा भैया फिर सोचो। जीजा मैं अरे क्या तुम खाऊने भाई क्यों छोटे अरे ऊपर वाले ने छप्पर फाड़ के भेजी, आनंद आ गया ठाकुर। वाह ठाकुर मजा आ गया, हम तो चलते हैं। अच्छा भाई जीजा चल छोटे चल। जा बेटा जा, मेरा आशीर्वाद है। जीजा अरे यहाँ कूदेगा तो वहां क्या करेगा? मुंह काला करने के बाद उसके मुंह पर हमेशा के लिए ताला लगा देना। ये लो जा बनो कबड्डी खेलने। अरे उसको गोली मारना अपने को नहीं, सुनाना पड़ता है ना, उल्लू का पट्टा है। चलो मैं भी कबड्डी खेल लो। चीख है शोल्डर। जी सर का पकड़ लो साली को, भागने ना पाए। जी सर का सरकार, पता नहीं वो लड़की कहाँ भाग गई। कहाँ? अब कहाँ होगा ठाकुर? होगा क्या, इंस्पेक्टर नागराज रिपोर्ट लिखेगा कि धर्मवीर की बहन सोना गुस्से में यहाँ दाखिल हुई और उसने नंदकिशोर को गोली मार दी। हमारे नौकर इस घटना के गवाह होंगे। उसके बाद सोना ना तो पुलिस स्टेशन जा पाएगी और ना ही हमारा कुछ बिगाड़ पाएगी। जो इंस्पेक्टर नागराज जरा जल्दी पूछे क्या पूछना है, मुझे हजारों काम है। देखिए मैं सोना के बारे में जानना चाहता हूँ। तो किसी जौहरी की दुकान पर जाइए, आप देख नहीं रहे ये पुलिस स्टेशन है। देखिए मैं कोई गोल्ड के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके स्वर्गीय पुलिस ऑफिसर धर्मवीर सिंह की बहन सोना के बारे में बात करना चाहता हूँ। एक मिनट आप कौन है?
और इन दोनों बातों से आपका क्या संबंध है? देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं एक पत्रकार हूँ और सोना मेरी दोस्त है। मिस्टर पत्रकार, तो एक बात ध्यान से सुन लीजिए कि आपकी दोस्त सोना एक खून करके फरार है। आप ये क्या कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? आप बैठ जाइए। और मिस्टर पत्रकार, मैं कुछ कह नहीं रहा, मैं वही बता रहा हूँ जो रिपोर्ट इस रजिस्टर में दर्ज है, और इस बात के 12 चश्मदीद गवाह हैं। मगर आप इंस्पेक्टर, अगर मगर का जवाब मैं तब दे पाऊंगा जब सोना को लॉकअप में बंद कर दूंगा। ओके, नाउ यू कैन गो। अगर मुझे किसी ने छूने की कोशिश की तो मैं गोली मार दूंगी। तुम हमें गलत समझ रही हो, हम डाकू लुटेरे नहीं, समाज के सताए हुए दुखी लोग हैं बहन। हाँ बहन, हमने जब अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की तो उन अत्याचारियों ने हमारे पीछे पुलिस लगा दी, और हम छुपते छुपाते यहाँ पहुंचे तो तुम्हें इस हालत में बेहोश देखकर समझ गए कि तुम भी किसी हैवान की हैवानियत का शिकार हो गई हो। लेकिन तुम हो कौन और तुम्हारी ये दुर्दशा बनाई किसने? मेरा नाम सुना है, डाकू लुटेरों ने और समाज के सफेद पोशों ने मेरा सब कुछ लूट लिया है, लेकिन अब उन हरामजादों को मैं जिंदा बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। बहन, हम सब एक ही राह के राही हैं, अगर तुम्हें ठीक लगे तो हम तुम्हारे कदम से कदम मिलाने को तैयार हैं। लेकिन हम अपनी मंजिल पर तभी पहुंच सकते हैं जब बागी सुल्तान हमारा साथ दें। तो पर ये बागी सुल्तान है कौन? बड़े ही नेक पुरुष, मुझे उनसे मिलने का एक ही बार मौका मिला, लेकिन उनसे मिलने के बाद कभी यह लगता नहीं कि वो कभी डाकू रहे होंगे। लेकिन ये बागी सुल्तान मिलेंगे कहां? बागी सुल्तान, आप खुश रहो, मैंने तुम लोगों की बातें सुन ली हैं। तुम लोगों ने जो रास्ता इख्तियार किया है उसमें खतरा ही खतरा है। इस बयाबान में फैले हुए कालक मौत का साया है, यहाँ कांटों की सेज पे सोना पड़ता है, पथरीले रास्तों पे चलना पड़ता है। यहाँ की रातें तो कभी बर्फ की तरह सर्द होती है तो कभी आग की तरह तपती है। खासतौर एक लड़की के लिए रास्ते पे चलने में बहुत खतरा है, बहुत मुश्किल है। माफी चाहूंगी, कहीं इन्हीं खतरों से डरकर तो आपने हथियार नहीं डाल दिए थे? मैंने जो हकीकत तुम्हें बयान की है वो शायद तुम्हें अच्छी नहीं है। दरअसल गलती तुम्हारी नहीं है, जोश के भंवर में फंसा हुआ इंसान अक्सर होश गवा बैठता है। मेरा मकसद तुम लोगों को डराने का नहीं था, तुम्हें हकीकत से रूबरू कराने का था। और रही मेरे डरने की बात, तो एक बात याद रखना लड़की, न तीर से न तलवार से न दुश्मन की कटा से, बंदा अगर डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से। मैंने जुल्म और सितम के खिलाफ बंदूक उठाई थी और मेरा मकसद पूरा हो जाने के बाद पीर बाबा की दरगाह पे कसम खाई थी कि आज के बाद कभी भी बंदूक को हाथ नहीं लगाऊंगा। आपने हमसे ज्यादा जमाना देखा है, गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है अगर जुल्म करने वाला पापी है तो जुल्म सहने वाला उससे भी बड़ा पापी है, और मैं ये जुल्म सहने का पाप नहीं करना चाहती। मैं उन सब पापियों का नाश कर दूंगी, एक एक को मौत के घाट उतार दूंगी, और मेरा मकसद पूरा हो जाने के बाद मैं आपके सामने अपने हथियार रख दूंगी। ये मेरा फैसला है, इस जंग में मुझे आपकी सख्त जरूरत है। फिर भी अगर आपने मेरा साथ नहीं दिया तो ये जंग मैं अकेली लड़ूंगी। भैया भैया, बहन, तुम्हारे सीने में जो जज्बात और इंतकाम की आग दहक रही है उसे देखते हुए तो अब इनकार करने की कोई भी सूरत नजर नहीं आती। लेकिन एक बात याद रखना, जो जंग तुमने शुरू की है उसमें सबसे पहले तुम्हें हथियारों की जरूरत पड़ेगी, हथियारों की।
लड़की ने हमारे हथियार लूट कर हमें गाली दी और तू भाग कर चलाया, तुझे जीने का कोई हक नहीं है। लेकिन भैया हथियार के बगैर तो हम बेकार हो जाएंगे। तू फिक्र मत कर छोटे, जब तक नेता और ठाकुर जिंदा हैं, नागराज हमारे लिए हथियारों के ढेर लगा देगा। और वैसे भी हमें कुछ दिनों के लिए खामोश रहना है। लेकिन भैया इतना तो हमें जरूर पता लगाना पड़ेगा कि इतनी हिम्मत वाली लड़की है कौन। उसका भी पता चल जाएगा। सोना, यह हथियार लूट के तुमने मेरा हौसला और भी बुलंद कर दिया है। यकीन हो गया मुझे कि इन बागियों के सरदार बनने के काबिल तुम ही हो। आज एक नई दुनिया में कदम रखा है तुमने, नया माहौल, इसलिए तुम्हारा नाम भी नया होना चाहिए। आज के बाद बागी सुल्तान की अजीज छोटी बहन का नाम होगा बागी सुल्ताना। ठाकुर साहब, जो हथियार हमने जालिम सिंह के लिए भेजे थे वो किसी गिरोह ने लूट लिए। बाबा, जाने अनजाने में अगर आपके इस बंदा नाचीज से कोई गुस्ताखी हो गई हो तो उसे माफ करना। सुल्ताना अब मेरी बहन है, अपनी रगों में दौड़ते हुए लहू के आखिरी कतरे तक उसकी हिफाजत करना मेरा फर्ज है। अपने फर्ज का कर्ज चुकाने की हिम्मत देना मुझे, हौसला देना। कोई है? कौन है? ओ कोई है? कोई है? क्या है? आ गए सुबह सुबह भीख मांगने? अरे हम सोमवार को किसी को भीख नहीं देते, चल जाए यहाँ से। अरे सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखाई देता है, तुझे ये ज्ञानी महापंडित भिखारी नजर आता है? मूर्ख, भिखारी तो तू खुद है, और तुझे भीख देने के लिए दानवीर हरिश्चंद्र खुद तेरे द्वार पर आया है, पर तू कैसे समझेगा? तुझे तो सांसारिक माया ने महा अंधा बना के रखा है। क्या तूने मुझे अंधा कहा? अंधा नहीं, महाअंधा। बेटी से देगी? हाँ? जरा अपनी खानदानी तलवार तो लाना। अभी लाती हूँ बापू। मूर्ख झंडूमल, तेरी जंग लगी तलवार पर शेषनाग का कोप है, जा देख, उस तलवार पर सर्प लिपटा बैठा है। बापू साहब, बापू, तलवार पे सांप है बापू। सांप? ये तो अंतर्यामी लगता है। हाँ झंडूमल, ये तो मेरा नाम भी जानता है। लेकिन आपको कैसे पता चला कि तलवार पर सांप है? वर्तमान, भूत और भविष्य का पूरा चिट्ठा मेरे सामने है। जब मैं आंखें बंद करके बैठता हूँ तो सामने वाले की पोती खुद ब खुद खुल जाती है। तेरा भूत तेरे वर्तमान को खाकर तेरे भविष्य को निगलने की तैयारी कर चुका है। तू इतना बड़ा नीच है कि तूने अपने बाला के सारे सोने के आभूषण, कंगन, गले का हार शराब के रूप में गले से नीचे उतार दिया है, और अब तेरा बाल बाल कर्ज में डूबा हुआ है। रे 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 बाल? लेकिन मेरे तो बाल ही नहीं है। बाल थे, लेकिन कर्ज के तेजाब में डुबो डुबो कर तूने उन्हें खत्म कर दिया। शायद तूने वो लोक कथा नहीं सुनी। कौन सी बाबा? ए बाबा, जो कन्या हमें बाबा कहकर बुलाती है हम उसे रुष्ट हो जाते हैं। क्षमा महाराज क्षमा, फिर मैं आपको क्या कहकर पुकारूं? हमारा नाम प्रेम कुमार पटने वाला है। तो फिर मैं आपको प्रेम जी कहूं? प्रेम से कहो, प्रेमी जी, प्रेमी जी। प्रेमी जी? हाँ। आप कौन सी लोक कथा की बात कर रहे थे? बालिके, एक बार पार्वती जी ने शिव भगवान से कहा था, प्रभु यह आदमी आपका भक्त है फिर भी निर्धन है। देवी ये तो भाग्यहीन है, इसकी मदद कोई नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो बिना कर्म किए ही फल पाना चाहता है। भगवान, इसकी आप कुछ तो मदद कीजिए। भगवान। देवी तुम कहती हो तो ऐसा ही सही, लो देखो। भोलेनाथ के नाम पे दे बाबा, अंधे को कुछ दे दे बाबा, अंधे को कुछ दे बाबा, तीन दिन से कुछ नहीं खाया। ये अंधे बेचारे कैसे चलते होंगे, इनको कुछ नजर तो आता नहीं है। मैं भी चलकर देखूं कैसा लगता है। भगवान के नाम पे कुछ दे दे बाबा, भगवान के नाम पे कुछ दे दे बाबा, अंधे को कुछ दे दे बाबा। देखा, इसके भाग्य में ये धन नहीं था, इसलिए इसे इसी वक्त अंधा बनकर चलने की इच्छा हुई।
प्रभु, आपकी लीला आप ही जाने। कुछ समझे? अरे मूर्ख, हम तो 500 रुपए देकर तेरा घर किराए पर लेना चाहते थे, पर तेरे भाग्य में धन राशि नहीं है तो हम क्या करें, हम कहीं और प्रस्थान करते हैं। क्षमा पंडित जी, क्षमा, आप पहले मेरे घर में प्रवेश करें। मैं अभी पूरे गांव में ढिंढोरा पीट कर आता हूँ कि हमारे घर में महान पंडित जी आए हैं। मैं अभी आता हूँ। जल्दी जाओ। अरे तुम तो अंदर आओ। अरे छोटे, तू नहाता क्यों नहीं है? अरे ओ भैया, तुम तो जानते ही हो कि जब तक कोई सुंदर साबुन का प्रबंध नहीं हो जाता हम तो नहाते ही नहीं है। अरे ओ माझा, कहाँ मर गया? छोटे के नहाने का प्रबंध कर दो। अच्छा सरदार। हाँ, ये ना बात। नहाई के मजा आ गया रे। हे, 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 घंटी बज गई रे अमरी। बस मांझा जी, क्या खुशबूदार साबुन है रे। क्या चमक चलो है। तूने तो हमारे दिल के नाले का दर दरवाजा खोल दिया। अच्छा आम है सरदार, जरा संभल के खाना। अच्छा तो पीछे तुम जाओ, पेड़ गिनो, हमें आम खाने दो। ये अखबारों का पुलिंदा देख रहे हो? इसमें हमारे डिपार्टमेंट के कारनामों की चर्चा है। सारे अखबार हमारी जय जयकार कर रहे हैं। सर वो अभी तक डाकू जालिम सिंह और बिच्छू सिंह गिरफ्तार क्यों नहीं हुए? सोना खून करके कहां गायब हो गई? उसे जमीन खा गई या आसमान? मेरी तो समझ में यह नहीं आता कि तुम्हारे इलाके में इतना बड़ा कांड हो गया, तुम्हारे सीनियर ऑफिसर का खुलेआम खून कर दिया गया, लेकिन तुमने अभी तक कुछ नहीं किया। सर वो हमारे पास पुलिस फोर्स कम है और गोला बारूद की भी कमी है। इस इलाके में हमारा डिपार्टमेंट गोला बारूद की कमी नहीं होने देता, समझे? खैर मैं तुम्हें वार्निंग देता हूं, 20 दिन के अंदर अंदर अगर सारे डाकू गिरफ्तार नहीं हुए या सोना हाजिर नहीं की गई तो मुझे मजबूरन सारे इलाके का इंचार्ज इंस्पेक्टर किरण को बनाकर भेजना पड़ेगा। अंडरस्टैंड? यस सर। क्या बात है नागराज जी, चेहरे पर कुछ मातम सा छाया हुआ है। आज फिर लड़की ने इनकार कर दिया का? तुम्हें अठखेलियां सूझी हैं और हम बेजार बैठे हैं। अरे कुछ मामला सीरियस है क्या भाई? जी हाँ, उस कमिश्नर के बच्चे ने मुझे वार्निंग दी है कि 20 दिन के अंदर अंदर अगर तुमने कोई एक्शन नहीं लिया तो तुम्हारे ऊपर इंस्पेक्टर किरण की पोस्टिंग कर दी जाएगी। लगता है अब इस कमिश्नर की पोस्टिंग भी मुझी को करानी होगी। कहाँ? ऊपर। वंडरफुल आइडिया, बहुत उम्दा आइडिया है, ही डिजर्व्स इट। इसका कोई फायदा नहीं है नेताजी, हम जितना जुर्म करते जाएंगे उतना ही ज्यादा अपराध के दलदल में फंसते जाएंगे। अगर हमने कमिश्नर को मारा तो उसकी जगह इंस्पेक्टर किरण ले लेंगी, और अगर इंस्पेक्टर किरण को मारा तो उसकी जगह कोई सूरज आ जाएगा। ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा, इसका कोई अंत नजर नहीं आता, कोई अंत नहीं। नजर आता है, फांसी का फंदा, और मैं मरना नहीं चाहता। अरे मरे हमारे दुश्मन, लेकिन नागराज की बात में दम तो है, अब कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। सरकार, मैंने सुना है अपने गांव में एक बहुत ही पहुंचे हुए पंडित आए हैं जो आगे की भी बताते हैं और पीछे की भी। अबे चुप, आगे की भी पीछे की भी, जब मुंह खोलेगा उल्टी बात करेगा साला। नहीं सरकार, मैं सत्य कह रहा हूँ, वो आपको आपके बचाव का उपाय भी बताएंगे। नहीं नहीं, हम इन पंडितों पर विश्वास नहीं रखते, अगर वो इतना जानते तो सबसे पहले खुद के हाथों की रेखाएं पढ़ लेते। ढोंगे होते हैं। पहले तो तूने गरीब जनता से हाथ जोड़कर वोट लिया, फिर उनके विश्वास को चोट दिया, अब तुम्हारे पापों का पल्ला भारी हो चुका है। क्या कह रहे हैं महाराज, आप हमारी पोल क्यों खोल रहे हैं? ई लड़की कौन है महाराज, इसको यहाँ से बाहर भेजिए ना। क्यों, इस पर भी तेरी नियत खराब हो रही है क्या? महाराज लड़की होती है नियत खराब करने के, लेकिन भगवान की कसम यहाँ ऐसे कोनो बात नहीं। झूठ, झूठ से हमें सख्त नफरत है,
क्या ये सच नहीं कि तुमने स्कूल और अस्पताल की धनराशि को अपनी अपनी तिजोरी में भर लिया है? समझा कीजिए महाराज, मैं देश का नेता हूँ, पब्लिक के लिए, जनता के लिए मुझे ये सब कुछ करना पड़ता है। जनता के लिए या तुम्हारे अपने हित के लिए? अब वक्त आ चुका है कि तुम्हारी दोहरी जिंदगी का राज फाश हो जाए। तुम्हारा एक रिश्तेदार था जो तुम्हारे पापों में रिश्तेदार था, उसकी भी हत्या कर दी गई है। वो साला, मेरा मतलब है महाराज, वो तो मेरा साला था ना। तो हुआ तो तुम्हारा रिश्तेदार ही ना, अब उसकी मौत का इल्जाम भी तुम्हारे सर पर आने वाला है। तुम्हारे हाथ की रेखाएं बता रही है कि तुम्हारे दोस्त बहुत जल्द ही तुम्हारी पीठ में छुरा भोंकने वाले हैं। तुम्हारी जिंदगी की रेखाएं दिन ब दिन छोटी होती जा रही हैं। यमराज के पास तुम्हारी मौत का सम्मन पहुंच चुका है, बस सिलवरी बाकी रह गई है। क्या कह रहे हैं महाराज, शुभ शुभ बोलिए, मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता महाराज। मरना तो कोई भी नहीं चाहता, तो फिर दे दो यमराज को भी धोखा। क्या कह रहे हैं महाराज, उसको कैसे धोखा दे सकता हूँ मैं? क्यों, जब सारी दुनिया को धोखा दे सकते हो तो यमराज को क्यों नहीं? महाराज क्षमा कीजिए, लेकिन कोई उपाय तो बतलाइए। उपाय तो एक ही है, क्या तुम उस पर अमल कर सकोगे? हाँ हाँ महाराज बिल्कुल। पाप की दुनिया को छोड़ दो और सत्य के रास्ते पर चलो तो शायद तुम्हें मुक्ति मिल जाए। क्या वाणी है, ई लीजिए महाराज। जाओ बच्चा, कल्याण हो। जय हो महाराज, जय हो। लड़की फिर नहीं आई महाराज? ये नहीं सुधरेगा। चलो तुम चलने की तैयारी करो, हम आते हैं। जरा जोर से हाथ लगा। मजा आ गया नहाकर, वाह वाह भाई मजा आ गया। अरे छोटे, ओए छोटे, तू अभी क्या को नहा लिया? भैया गंगवा खबर ही कुछ ऐसी लाया है कि हमसे नहाए बिना रहा ही नहीं गया। सेठ मनोहर सिंह बीजापुर गांव में अपनी बेटी का ब्याह रचा रहा है और वहां पर सोने चांदी के जेवरों के साथ उसे पहनने वाली भी होगी भैया, तो हम जाते हैं और सेठ मनोहर का और उसकी बेटी का काम कर कराते हैं भैया। देख छोटे जिद मत कर, ठाकुर और नागराज ने हमसे कहा है कि हमें खामोशी से काम करना है। अरे भैया अब तो हम नहा चुके, हमें जोश आ रहा है भैया। जोश में होश मत खो छोटे। भैया हम तो सब काम जोश में करते हैं ना, शेर का अगर बंद रखोगे तो मर नहीं जाएगा क्या? अब तो हम जा रहे हैं, जोश में ही करते हैं सब काम भैया। हम पिच्छू सिंह, और पिच्छू सिंह जब डंक मारता है ना तो मौत का दरवाजा डायरेक्ट खुल जाता है। चल निकाल माल, कहाँ रखा है छुपा के? नहीं ठाकुर नहीं, हमने बड़ी मेहनत से अपनी बिटिया के ब्याह के लिए पैसा जोड़ा है। अरे हम भी तो बड़ी मेहनत से आए हैं यहाँ खतरों से खेल के माल चुराने के लिए। चल माल निकाल, वरना पिच्छू सिंह ने डंक मार दिया ना तो तेरे लिए मौत का दरवाजा डायरेक्ट खुल जाएगा और सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। ठाकुर मेरी बिटिया के ब्याह के पैसे और जेवर मत ले जाओ, चाहे मेरी जान ले लो। चल हम तुझे डंक मार देते हैं और मौत का दरवाजा डायरेक्ट खोल देते हैं, लेकिन पैसे और जेवर तो हम फिर भी ले जाएंगे। अरे ओ गंगवा, कौन सा डंक मार दे रहे? गोली तो बहुत महंगी हो गई है ना, यही टेटवा दबा देते हरामजादे का। नहीं ठहरो ठहरो, लो ये लो मेरी बेटी की शादी के सारे जेवर और रुपए, लेकिन मेरे पति की जान बच दो। अरे ओ गंगवा। हाँ ठाकुर, इस लाला से ज्यादा तो इसकी बीवी समझदार निकली रे, डंक नहीं मारने दिया। ले माल संभाल। चल अब बता दे कहाँ है वो तेरी सुंदर रसीली कन्या जिसकी तू शादी रचाने चली थी, हा? उसे भी डंक मारना है लेकिन प्यार से। क्यों है ना गंगवा? नहीं ठाकुर नहीं, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, हम पर रहम करो, मेरी बेटी की इज्जत मत लूटो, उसकी जिंदगी मत बर्बाद करो। अरे ओ गंगवा इसे देख, ये हमसे रहम की भीख मांग रही है, ये समझती नहीं है कि हम इसकी बेटी की जिंदगी आबाद करने जा रहे हैं, बर्बाद नहीं। चल नहीं, 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 नहीं,
पकड़ ले दोनों को, हम खट्टे हम खराब करते हैं। कहा है रे रूप की रानी, देख चोरों का राजा आ गया तेरा रूप चुराने, तुझे डंक मारने। कहा यहाँ खड़ी है तू छिप कर। दुर्गा माँ की कसम, आज मैं तेरे सारे डंक तोड़ दूंगी हरामजादे। सोना तुम? सोना नहीं, बागी सुल्ताना। अरे हट, नाम बदलने से तू तो नहीं बदल सकती। ये कपड़े पहनकर तू अपने आप को बहुत बहादुर डाकू समझ रही है का? कहाँ है उस सेठ की छोकरिया, चल बता कहाँ छुपाया उसे। देख हमरे जोत का नाड़ा बहुत फनफना रहा है। तेरा नाड़ा नहीं फनफना रहा, तू अपना नगाड़ा बजवाना चाहता है। वो छोकरी तुझे कभी नहीं मिलेगी। तो कोई बात नहीं, तू हमारा दिल खुश कर दे, तू हमारी गोदी में गिर जा। वैसे भी उस दिन बहुत भीड़ थी भारी, हमारी प्यास रह गई थी अधूरी, लेकिन आज आज हम अपनी इच्छा करेंगे पूरी। अब तेरी इच्छा कभी नहीं होगी पूरी। क्यों? क्योंकि अब तुझसे तेरी मौत में नहीं है दूरी। देख देख मौज मस्ती के समय नाटक नहीं कर रहा। नाटक नहीं, मैं तेरे जीवन का फाटक बंद करने जा रही हूँ। हरामजादे, तूने और तेरे भाई ने मेरे भाई को मार डाला, मेरी इज्जत लूट ली। आज मैं तुझे कुत्ते की मौत मारूंगी। इसी बंदूक से तुम लोगों ने मेरे भाई को मारा था ना, आज तेरी मौत भी इसी बंदूक से होगी। जा ले जा इस कुत्ते की लाश को और कह देना उस जालिम सिंह से कि उसकी जिंदगी और मौत में भी उतना ही फासला रह गया है जितना कि मुझ में और उसमें। ले जा। नहीं, नहीं सुने, तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। मेरे मना करने पर भी तूने अपनी जिद के आगे मेरी एक नहीं मानी। मैं तेरे कातिलों को नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। बताया जाए कि किस माँ की कोख ने उस सूरमा को जन्म दिया है जिसने हमारे शेर को मौत की नींद सुला दिया। बागी सुल्ताना। क्या, बागी सुल्ताना? हाँ, उसने बागी सुल्तान के साथ नया गिरोह खड़ा किया है। चंगुआ, बागी सुल्तान ने तो बंदूक न उठाने की कसम खाई थी। सरदार, बंदूक तो वो अब भी नहीं उठाता, लेकिन उसने सोना को सरपरस्ती का आशीर्वाद दिया। उसे तो मैं बाद में देख लूंगा, मगर उससे पहले हमें बीजापुर वालों से निपटना है, क्योंकि उन्होंने उस लड़की को पनाह देकर हमारे साथ गद्दारी की है। संगवा, गांव वालों को बता दे कि जालिम सिंह के जुल्म की ज्वाला जब फटती है तो ऐसी आग निकलती है कि उस आग में जलकर सब राख हो जाते हैं। चंगुआ, उस हरामजादे सेठ को बाहर निकाल जिसे बागी सुल्तानों को पनाह देकर जालिम सिंह के साथ टकराने की जरूरत की है। मैं उसके परिवार को जलाकर राख कर दूंगा, इस गांव को शमशान बना दूंगा। जालिम सिंह, शमशान घाट में सबसे पहले किताब तेरी जलेगी। जहरी नागिन, तू अभी तक जिंदा है? कमीने, मैं जानती थी तेरी अकल घुटने में है। तू उस पागल कुत्ते की लाश को देखकर खुद भी पागल हो जाएगा और बिना सोचे समझे गांव पर हमला कर देगा। तू क्या समझती है कि तू धोखे से जालिम सिंह को गिरफ्तार कर लेगी?
तेरी कुंडली बहुत अच्छी है कि तेरे बचाव के लिए पुलिस वक्त पर आ गई। आज पुलिस आने से तो तू बच गया हरामजादे, नहीं तो मैं आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ती। चलो भाग चलो। मिस्टर सूरज, हमें जो ताजा रिपोर्ट मिली है उससे इस बात पर रोशनी पड़ती है कि इस खून खराबे की घटनाओं में कुछ बहुत बड़े लोगों का हाथ है, लेकिन अभी तक सबूत कोई नहीं मिल सका। लेकिन बड़े लोगों के नाम तो जरूर होंगे कमिश्नर साहब। नाम तो हैं, लेकिन मैं बिना सबूत के किसी का नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकता, वरना ये लोग कानून की आड़ में उल्टे हमारे गले पड़ सकते हैं। कानून कल भी सबूत का मोहताज था और आज भी, और कल भी रहेगा मिस्टर सूरज। अगर ये बंदिश न रहे तो कानून और मुजरिम में फर्क ही क्या रह जाएगा। खैर, यू डोंट वरी, मैंने इंस्पेक्टर किरण की पोस्टिंग का ऑर्डर ले लिया। लेडी इंस्पेक्टर किरण? यस। ये आपने अच्छा किया। एक बात और भी बहुत अच्छी हुई है कि उसके आने से पहले ही डाकू में खलबली मच गई है, आपस में टकराने लगे हैं। इसी आपसी टकराव का नतीजा है डाकू बिच्छू सिंह की मौत। सर, आपने सोना के बारे में अभी तो कुछ बताया नहीं है। सोना डाकू बन चुकी है। सोना और डाकू? हाँ, बीजापुर में जो डकैती की घटना हुई है उसमें सोना का हाथ था, और अब वो सोना नहीं बागी सुल्ताना बन चुकी है। इसका मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं होता सर। विश्वास तो मुझे भी नहीं होता, लेकिन इंस्पेक्टर नागराज की रिपोर्ट के मुताबिक आज वो एक खतरनाक डाकू बन चुकी है।
नेताजी आज का महंगाई के कारण जनता त्राही त्राही कर रही है। आप जैसे नेता होते हुए देश में इतनी महंगाई क्यों बढ़ गई? अरे पत्रकार जी, आपको तो मालूम है कि हमारे देश ने वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड से काफी पैसा लिया है। भगवान ने चाहा तो बहुत जल्द हमारी इस नई इकोनॉमिक पॉलिसी से ठीक सब कुछ हो जाएगा। लेकिन भाई, देश की तरक्की के लिए थोड़ा तो जनता को भार सहन करना पड़ेगा ना। देश की तरक्की के लिए या आपकी अपनी जेब की उन्नति के लिए? शट अप! क्या बकवास बातें कर रहे हो? कम्युनिस्ट हो क्या है? यानी कि हम ऐसे देशभक्त पर ऐसा इल्जाम लगा रहे हो? किसने, किस उल्लू के पट्टे को पत्रकार बनाया? आप जैसे भ्रष्ट लोगों ने। शट अप, गेट आउट, बाहर भागो, जल्दी चले जाओ। किस अखबार के तुम नुमाइंदे हो? मैं अभी तुम्हें वहां से निकलवाऊंगा। क्यों इतनी गर्मी खा रहे हो? क्या बात है प्रभु दयाल, कौन था ये? अरे भाई, जर्नलिस्ट था, उल्टे सीधे सवाल कर रहा था, भगा दिया उसे। बहुत अच्छा किया। आजकल के ये पत्रकार बेकार बातें कम और काम की बातें ज्यादा पूछते हैं। अम्मा, तुम देशभक्तों की तरह लगे बात करने। अच्छा एक बात बताओ। अरे भाई, 5 लाख रुपया फखरुद्दीन ने भेजा है, जिसे तुम्हारे कहने पर मैंने दवाओं के बनाने का लाइसेंस दिलवाया था। भाई, ये खबर तो तुमने बहुत अच्छी सुना दी। कभी कभी सोचता हूँ कि दौलत की कमी ना तेरे पास है ना ही मेरे पास। भगवान की लीला है, हमने अपने कोटे से ज्यादा ही शराब पी ली है। और जहां तक लड़कियों का सवाल है, तो लोगों ने उतने हसीन चेहरे नहीं देखे होंगे जितने हसीन चेहरों ने आज तक हमारी रातें रंगीन बना दी हैं। अरे भाई, लड़कियों के मामले में तो हम लोग हमेशा बहुत सोशलिस्ट रहे हैं। और तुम्हारे यही सोशलिस्ट विचार एक दिन तुम्हें मुख्यमंत्री बनाकर ही रहेंगे। आप मुख्यमंत्री बने या न बने, लेकिन आप लोगों की मेहरबानी से मैं तो संतरी जरूर बन जाऊंगा। ये लीजिए, हम इन्हें जिले का एसपी बनाना चाह रहे हैं और ये संतरी बनने की बात कर रहे हैं। कमाल है यार। भैया, बात क्या है? बात होगी क्या, उधर सोना बागी सुल्ताना के रूप में बिच्छू सिंह को मारने के बाद हम लोगों के पीछे पड़ी है, और इधर इंस्पेक्टर किरण आ रही है। अरे इंस्पेक्टर किरण की तो मां का। मुख्यमंत्री ऐसी बातें नहीं करते, उसका इंतजाम भी कर देंगे। अच्छा हुआ तुमने जालिम सिंह और बागी सुल्ताना के टकराव में जाकर जालिम सिंह को भगा दिया, वरना शायद वो भी मारा जाता।